हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो V27 में नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, क्योंकि काफ़ी समय वेट करने के बाद आपके वीवो V27 में भी एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आपके वीवो V27 में जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया गया है ना, उसकी साइज़ क्या है, वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। साथ में ये भी बात करेंगे कि आपके वीवो V27 में एंड्रॉयड 15 यानी फन टच OS 15 का जो अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके वीवो V27 में क्या नया अपडेट देखने को मिला है। तो दोस्तों, अपडेट के लिए मैं अपने फोन की सेटिंग्स में ले चल रहा हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेट में ये अपडेट शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपडेट है फिलहाल ट्रायल वर्जन में है, तो उसके लिए ट्रायल वर्जन में जाऊँगा। ट्रायल वर्जन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपडेट आया है उसका इंटरफेस सामने आ जाएगा। और अगर दोस्तों अपडेट की, तो जो अपडेट आपके वीवो V27 में जारी किया गया ना, उसका वर्जन आप देख सकते हैं वो है 14.1.18.1। साइज़ की बात करें दोस्तों तो 268 MB के आसपास की साइज़ है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा दोस्तों कि आपके फ़ोन में सिक्योरिटी पैच के साथ जो भी थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू देखने को मिल रही थी, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। बात करें दोस्तों अपडेट ब्लॉक की, तो सबसे पहले सिस्टम में आपके फ़ोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, जो कि अक्टूबर मंथ का है, आप देख सकते हैं। वहीं पर एक तरह से सिस्टम को और स्टेबलाइज किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है। नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों, कुछ मामले में 5G नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था ना, तो उसको यहाँ पर फिक्स किया गया, आप देख सकते हैं। ऑप्टिमाइज द नेटवर्क एडाप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। वहीं पे कैमरे की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैमरे के द्वारा शूटिंग एक्सपीरियंस है ना, उसको इम्प्रूव किया गया है, यानी कि जो भी शटर लैग देखने को मिल रहा था कैमरे में ना, उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द स्मूथनेस ऑफ ओवरऑल फंक्शन ऑफ कैमरा टू प्रोवाइड बेटर शूटिंग एक्सपीरियंस। और इनपुट की बात करें तो इस तरह का कोई दिक्कत मेरे वीवो V27 में देखने को नहीं मिला है। तो ये तो रहा दोस्तों अपडेट की बात। अगर इसका स्टेबल अपडेट आपके वीवो V27 में आ जाए तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। कर लेते हैं दोस्तों कि आपके वीवो V27 में एंड्रॉयड 15 यानी फन टच OS 15 का जो अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो वीवो का रोड मैप है ना, उसके अकॉर्डिंग अगले साल जनवरी के मंथ में यानी मिड ऑफ जनवरी में उन्होंने कहा है कि आपके वीवो V27 में एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जनवरी के पहले हफ्ते में 1 से 7 तारीख के बीच में आपके वीवो V27 में कुछ लोगों को एंड्रॉयड 15 का बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।